तरल धर्म विद्युत में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए इंग्लिश ऑनर्स पेपर 2 के लिए TDC पार्ट 1 जो BRBU द्वारा जारी किया गया था, उसके लिए हम आ गए हैं। तो अगर हमारा वीडियो 1 से लेकर 40 तक का नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से आप हमारे जो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में शुरू करेंगे 40 से लेकर 60 तक का, यानी 40 to 60 का हम आज सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को 41 से। शुरू करने से पहले यदि हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज गॉडली फैब्रिक मीन, यानी कि गॉडली गुडली फैब्रिक का मतलब क्या होता है? ए लार्ज बॉडी। राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 का, हु एलोन वियर्स द परफेक्ट इमेज ऑफ रिट्स फ्लैकनोई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैडवेल, ऑप्शन नंबर बी सैडवेल। 43 की ओर मूव करते हैं। फ्लैकनोई हैज संग इन फ्रंट ऑफ विच किंग, यानी कि फ्लैकनोई किन राजाओं के सामने गाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी, जॉन ऑफ पुर्तगाल। 42 की ओर, सिंगलटन वाज ए व्हाट, ये जो है क्या थे? सिंगलटन म्यूजिशियन, कॉमेडियन, आर्टिस्ट क्या थे, ड्रामेटिक्स क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए। अब इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि इनका जन्म 6 जनवरी 1968 को हुआ था एवं इनका मृत्यु अप्रैल 2019 में हुआ। चलिए 45 की ओर मूव करते हैं। हु इज ग्रेटर जॉनसन, इनमें ग्रेटर जॉनसन कौन है? बड़ा जॉनसन, जॉनसन तो सभी है लेकिन इनमें ग्रेटर जॉनसन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। कली कली कॉकवुड एंड फ्लॉपिंग आर द क्रिएशन ऑफ, कली कॉकवुड एंड फ्लॉपिंग आर द क्रिएशन ऑफ, ये किसका द्वारा रचित है? क्रिएशन किनके द्वारा किया गया है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सैडवेल। हम आप सभी दोस्तों को बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो के लास्ट में जो एक पर्सन है उनके बारे में बता दिया जाकर, उनके बारे में 100% संभाव्यता बताया जा रहा है कि कम से कम उनसे 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे ही आएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 47 की ओर मूव करते हैं। 47, ब्रूस एंड लॉन्गविल हर करेक्टर इन किनका करेक्टर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी, द ब्रिस्टो। 48, ड्राइडन यूजेस द टैस रिदम कॉपलेट इन मैकफ्लोइनोई, 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 49 की ओर मूव करते हैं। वेयर वाज ड्राइडन बॉर्न, यानी कि ड्राइडन का बॉर्न कब हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म लंदन में हुआ था। राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और 50 का, 50 की ओर मूव करते हैं। और इनके बारे में बता दें कि इनका जन्म, ड्राइडन का जन्म लंदन में हुआ था 9 अगस्त 1631 में इनका जन्म हुआ था एवं इनकी मृत्यु 12 मई 1700 ईस्वी में हो गया था। 50 का हो जाएगा, वेयर डिड ड्राइडन गो टू कॉलेज, यानी कि कहाँ जाते थे? इनका कॉलेज क्या था? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज था इनका। 51 की ओर मूव करते हैं। ड्राइडन फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम, ड्राइडन फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम यानी कि ड्राइडन के द्वारा लिखित रचित पहली कविता कौन है? तो इसका अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग। 52 की ओर मूव करते हैं। ड्राइडन वाज ब्यूरीड इन, ड्राइडन वाज ब्यूरीड इन, 52 का राइट आंसर हो जाएगा वेस्टमिंस्टर अवे। 53 की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट सिविल वॉर बिगेन इन, यानी कि फर्स्ट सिविल वॉर कब शुरू प्रारंभ हुआ था 53 का? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1642 में हुआ था। चलिए 54 की ओर मूव करते हैं। फ्लैकनोई रूल्ड ओवर द रियल रियम्स ऑफ दैट्स अब्सोल्यूट,
54 का राइट आंसर हो जाएगा शी नॉनसेंस। 55 की ओर मूव करते हैं, सैडवेल वैक्स इमोर्टल वार विद, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विट के साथ। हु स्टैंड कॉन्फेम इन फुल स्टुपिडिटी, तो इसका राइट आंसर 56 का, और पहले ही आपको बता चुके हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का सैडवेल। और आपको जाते जाते बता दें कि जो सैडवेल है इनके बारे में हमने जो बताया है, सैडवेल का जन्म, सैडवेल का पहले पूरा नाम होता है थॉमस सैडवेल, इनका जन्म 1642 ईस्वी में हुआ था, इनका मृत्यु 19 नवंबर 1692 में लंदन इंग्लैंड में हुआ था। तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इनसे सैडवेल से, थॉमस सैडवेल से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे, संभवतः, कंफर्म नहीं है। 57 का राइट, 57 का, हु इज द यंग प्रोफेट, हु इज द यंग प्रोफेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैडवेल। 58, हु इज अ टन ऑफ मैन, इसका भी राइट आंसर डी सैडवेल ही होगा। 59, 59, हु इज द लास्ट ग्रेट प्रोफेट ऑफ टॉटियोलॉजी, इसका राइट आंसर सैडवेल हो जाएगा। 60, या और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किट्स पब्लिश्ड डैश अगेंस्ट इन द ईयर, यानी कि ये जो एज था ये कब पब्लिश किया गया था, कब पब्लिश हुआ था जॉन किट्स का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी, 1820 में पब्लिश किया गया था। और आपको बता दें कि एक जिम्मेदार चैनल के नाते, जिम्मेदार चैनल के नाते आपको सारा एग्जाम का प्रोवाइड कराया जा रहा है, और एक जिम्मेदार विद्यार्थी, एक जिम्मेदार छात्र होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।